महोबा में नकली नोटों का जखीरा मिलने से पुलिस हैरत में पड़ गई। स्थानीय पुलिस और स्वाट टीम ने एक शातिर अभियुक्त से 15 लाख रुपए से अधिक के नकली नोट बरामद कर इस गोरख धंधे का पर्दाफाश कर दिया। पकड़े गए अभियुक्त के पास से पुलिस ने नकली नोट सहित नोट छापने का प्रिंटर, पेपर, इंक, 3 मोबाइल और 1 बाइक बरामद की है। आरोपी ने यूट्यूब से नकली नोट छापने का तरीका सीखकर 1 महीने में 15 लाख से अधिक के नोट छाप डाले, जिसे वह मार्केट में उतारने वाला था, मगर चेकिंग के दौरान वह पुलिस के हत्थे चढ़ गया। महोबा में कम समय में ज्यादा पैसा कमाने के लालच में एक युवक को इस कदर अंधा कर दिया कि उसने नकली नोट छापने का गोरख धंधा शुरू कर दिया। बताया जाता है कि पकड़ा गया शातिर अभियुक्त उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद अंतर्गत आने वाले थाना मोहम्मदाबाद के ग्राम हाटा निवासी अंकुर कुमार बिंद है। 21 साल के इस युवक ने यूट्यूब से अपने नकली नोट बनाना सीखा और फिर महोबा के लौड़ी तिगैला इलाके में किराए से मकान लेकर इस गोरख धंधे को शुरू कर दिया। इसके द्वारा घर में ही 1 महीने में 15,61,800 रुपये के नकली नोट छाप दिए। 500 रुपये के 983 नोट, 200 रुपये के 4,506 नोट और 100 रुपये के 1,691 नोट छापे गए हैं। उक्त अभियुक्त इतना शातिर है कि उसने इन नकली नोटों को मार्केट में खपाने की तैयारी कर ली, बाजार में भेजने निकला था। बताया जाता है कि यह एक बैग में नकली नोट लेकर जनपद के पनवाड़ी थाना कस्बा क्षेत्र में एकता ढाबे के पास मुख्य सड़क से गुजरा था। जनपद की स्वाट टीम को मखबिरों से सूचना मिली कि महोबा में नकली नोटों का काला कारोबार चल रहा है और अभियुक्त नोट को बाजार में खपाने की तैयारी में है। इसकी सूचना पर पुलिस ने नाकेबंदी कर दी। स्थानीय पनवाड़ी पुलिस के साथ चेकिंग के दौरान अपाचे बाइक से निकले उक्त युवक को पुलिस ने पकड़ लिया। उसकी तलाशी में उसके पास से नकली नोट बरामद हुए। पूछताछ में जब पुलिस ने उसके ठिकाने पर छापेमारी की तो पुलिस हैरत में पड़ गई। उसके पास से 15 लाख रुपए से अधिक के नकली नोट के अलावा प्रिंटर, पेपर, इंक और 3 मोबाइल के साथ बाइक बरामद की गई। साथ ही नकली नोट छापने के बाद बची कतरन भी बड़ी मात्रा में मिली है, जिसकी सूचना पुलिस अधिकारियों को मिलते ही सभी हैरत में पड़ गए और आरोपियों के खिलाफ पनवाड़ी थाने में भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उसे जेल भेज दिया गया है। सीओ हर्षिता गंगवार बताती हैं कि पकड़ा गया अभियुक्त बड़ी ही शातिराना तरीके से नकली नोट बनाने का कारोबार कर रहा था। 1 माह में उसने बड़ी मात्रा में नोट छाप डाले। असली नोट की जेरोक्स कर उसने 15 लाख से अधिक के नोट छापे हैं, लेकिन इससे पहले वह बाजार में नकली नोटों को पहुंचाता। पुलिस ने उसे पकड़ लिया और बड़ी मात्रा में नकली नोटों का जखीरा बरामद कर पुलिस ने आरोपी को जेल भेजा है और आगे की कार्रवाई जारी है। स्वाट एवं थाना पनवाड़ी की संयुक्त टीम द्वारा एक व्यक्ति जिसका नाम अंकुर कुमार बिंद, पुत्र रामकृत, उम्र 31 वर्ष, निवासी ग्राम हाटा, थाना मोहम्मदाबाद, जनपद गाजीपुर, उत्तर प्रदेश को हिरासत में लिया गया, जिसके पास से 100, 200, 500 के नकली नोट जो कि 15 लाख रुपए के करीब और एक नकली नोट बनाने के लिए प्रिंटर, इंक एवं 3 मोबाइल और एक अपाचे मोटरसाइकिल को बरामद किया गया। अभियुक्त द्वारा बताया गया कि उसने अभी 1 महीने से जो असली नोटों को जेरोक्स करके नकली नोट बनाकर भोले भाले लोगों को ठगने का प्रयास करता था और उसने ये भी बताया कि वह यूट्यूब के माध्यम से नकली नोट बनाना सीखा था। अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर थाना पनवाड़ी में मुकदमा अपराध संख्या 123/24, धारा 420, 489A, 489B, 489C, 489D, 489E IPC में पंजीकृत किया गया है। मुकदमा पंजीकृत कर अभियुक्त को जेल भेजा गया है। महोबा से अशोक वर्मा और इरफान पठान की रिपोर्ट।